मेरे शव पर वह रोए हो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित मदरा पीकर मतवाला, दे मुझको वो कांधा जिनके पगमद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। मुसाफिर बढ़ता चल, बढ़ता चल, और अपने मकसद को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी, बड़े से बड़े बलिदान को देने के लिए तैयार हो जा। क्योंकि अगर तू बलिदान भी हो गया, अगर तू शहीद भी हो गया, तो तू प्रेरणा बन जाएगा उन हजारों मुसाफिरों के लिए जो एक एक पल गहरी पीड़ा झेलते हुए अपने मकसद की ओर बढ़ रहे हैं। तुझे पलकों पर बिठाएंगे वो तमाम मुसाफिर जिनकी पलकों में आंसू हैं और मंजिल के सपने हैं। तुझे माथे से लगाएंगे वो तमाम मतवाले जो दीवानों की तरह अपने मकसद से प्यार करते हैं। और तेरी शहादत, तेरी लगन, तेरी जलन मशाल बनकर रोशनी देगी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए बलिदान भी हो गया तो कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। शहादत प्रेरणा बन जाती है भविष्य के मुसाफिरों के लिए। दे मुझको वो कांधा जिनके पगमद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। मंगल पांडे का मकसद था अंग्रेज सरकार की ज्यादतियों को चुनौती देना। अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाकर शहादत प्राप्त की थी मंगल पांडे ने, पर उनके बलिदान ने, उनकी कुर्बानी ने, उनकी शहादत ने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को जन्म दिया था 1857 में। शहादत प्रेरणा बन जाती है भविष्य के मुसाफिरों के लिए। दे मुझको वो कांधा जिनके पगमद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। गुरु गोविंद सिंह का मकसद था मुगल सल्तनत की ज्यादतियों को चुनौती देना। 1708 में बलिदान हो गए, पर उनके बलिदान ने न जाने कितने लोगों को प्रेरित किया कि वो अपने उसूलों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, बड़े से बड़े बलिदान के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार रहे। शहादत प्रेरणा बन जाती है भविष्य के मुसाफिरों के लिए। दे मुझको वो कांधा जिनके पगमद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। सुखदेव का मकसद था लाला लाजपत राय पर अंग्रेज सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों का बदला लेना। 1931 में फांसी पर लटक गए, पर उनके बलिदान ने, उनकी कुर्बानी ने, उनकी शहादत ने देश को हिला कर रख दिया, और न जाने कितने ही युवा स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। शहादत प्रेरणा बन जाती है भविष्य के मुसाफिरों के लिए। दे मुझको वो कांधा जिनके पगमद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। बैकुंठ शुक्ला का मकसद था भारत की आजादी, पर सुखदेव की फांसी के बाद उन्होंने अपना मकसद फणीन्द्रनाथ घोष को खत्म करने का बना लिया, जिसने सरकारी गवाह बनकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ गवाही दी थी। 1932 में फणीन्द्रनाथ घोष को गोली मार दी और खुद फांसी पर चढ़कर बलिदान हो गए। न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बने बैकुंठ शुक्ला। शहादत प्रेरणा बन जाती है भविष्य के मुसाफिरों के लिए। दे मुझको वो कांधा जिनके पगमद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला। मेरे शव पर वह रोए हो जिसके आंसू में हाला, आह भरे वो जो हो सुरभित मदरा पीकर मतवाला, दे मुझको वो कांधा जिनके पगमद डगमग होते हों, और जलूं उस ठौर जहां पर कभी रही हो मधुशाला, कभी रही हो मधुशाला।